तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में फोटोज को लॉक या फिर बोल सकते हैं वीडियोस को लॉक कर सकते हैं, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड के थ्रू, वो भी बिना सिक्योर फोल्डर में डाले। तो कैसे आप इसको यूज करेंगे, कैसे आप इसको लॉक कर पाएंगे फोटोज और वीडियोज को। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में फोटोज को या वीडियोस को लॉक कर पाएंगे, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, कैसे बिना सिक्योर फोल्डर के जाए। तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको करना क्या है, उस फोटोज पे चले जाना है या फिर उस वीडियोज पे चले जाना है जिसको आपको लॉक करना है। तो लाइक मैं आ गया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं। मैं तो लाइक में आ गया हूँ अपने यहाँ पर इस फोल्डर में। इस फोल्डर में मेरे पास 2 या 3 फोटोज हैं जिनको मुझे लॉक करना है। लाइक मुझे ये वाली फोटोज को करना है, ये वाली वीडियोस को लॉक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद मैंने इस पर शेयर पे क्लिक करा। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, उसको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, यहाँ से नीचे यहाँ करना है, यहाँ करना है। यहाँ जाने के बाद आपको सैमसंग नोट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सैमसंग नोट्स पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड न्यू या फिर ऐड एग्जिस्टिंग कभी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से उसको देख लिए। मैंने ऐड न्यू पे कर लिया इसको। ऐड न्यू पे करने के बाद आपको यहाँ से, आप देख सकते हैं, आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से आ गया बैक, बैक आ गया। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, वापस अब जाना है आपको अपने सैमसंग नोट्स पे। वहां जाने के बाद वहां देखेंगे एक नोट्स आपका बन गया होगा, तो मैं यहाँ पर नोट्स को खोल लेता हूँ। तो आपको यहाँ पर सैमसंग नोट्स में चले जाना है। सैमसंग नोट्स में जाके आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बना हुआ आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये लॉक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, पहले नहीं दिखेगा। जैसे आप करेंगे इस लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस बार लॉक पे ऑप्शन पे आने के बाद जो भी आपका सैमसंग का अकाउंट का पासवर्ड है वो डाल देना है, या फिर आपने अगर फिंगरप्रिंट इनेबल करके रखा हो तो आपको फिंगरप्रिंट डालना और ऑटोमेटिक वो एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चाहें तो आप इसको ऑल्सो लाइट में ही फिंगरप्रिंट भी कर सकते हैं और पासवर्ड भी आपको यहाँ बना लेना है। तो लाइक मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया, तो आपको यहाँ नीचे टिक करके पासवर्ड बना लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा लॉक वाला ऑप्शन मिल जाएगा और फोटोज लॉक हो गई। जब भी आपको उसको एक्सेस करना होगा, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा तो वो ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप गैलरी पे जाएंगे, अगर आपको कोई दूसरी फोटोज का बनाना है तो यहाँ पर गए, यहाँ जाने के बाद आपको उस पर शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नोट्स पे। लाइक मैं आ गया यहाँ पर नोट्स पे, आ गया सैमसंग नोट्स पे। नोट्स पे आने के बाद मैंने ऐड न्यू पे क्लिक करा। न्यू पे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले लॉक का ऑप्शन नहीं आएगा, तो पहले आपको यहाँ से बैक करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। यहाँ से बाहर आने के बाद वापस आपको यहाँ जाएंगे सैमसंग नोट्स पे। सैमसंग नोट्स पे जाने के बाद वापस मैं आ गया हूँ सैमसंग नोट्स पे, यहाँ पर आ गया हूँ वाली फोटो को जो लाया था, इस पे गया, यहाँ लॉक पे क्लिक करना रहेगा और ये लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉक हो गया, बाद में आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें कमाल की बात यह है कि अब आप इन फोटोज को यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि वो सब वहां पर आपको सैमसंग नोट्स पे मिल जाएंगी। अब मैंने इसको डिलीट कर दिया है, उसके बाद भी मैं सैमसंग नोट्स में आ गया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे मेरी फोटोज वापस वैसी की वैसी यहीं मिल जाएंगी, जिसको मैं बाद में इजीली कहीं भी सेव आउट कर सकता हूँ। आपको सेव इमेज करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो ये यहाँ पर प्राइवेसी रिलेटेड अच्छा फीचर है। आपको फोटोज को लॉक करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।